फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार हम आ चुके हैं फरुखाबाद के उस्तादों के उस्ताद आरके जी के पास, और ये उनके बेटे सुनील जी, और दोनों ही लोग बहुत बढ़िया पतंगे बनाते हैं। जैसा कि आपकी डिमांड थी कि फरुखाबाद के आरके काइट मेकर को मिलवाइए, तो मैं आज आ पहुंचा हूँ आरके काइट मेकर के पास में, और आप सामने उनकी पतंगे और खुद आरके जी बैठे हुए हैं, सामने आप लोग देख पा रहे होंगे, और उनके जो बेटे हैं सुनील जी, ये बैठे हुए हैं, और आज इनसे कुछ चर्चा करेंगे पतंगों के बारे में, और कौन कौन से फर्मे बनाते हैं, पतंगों के साइज क्या रहते हैं, क्या उनका प्राइस रहता है, सब बातें हम लोग आज जानेंगे। चलिए मिलते हैं आरके जी से और कुछ एक बातें उनसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मिलवाऊंगा आपको आरके जी से, ये बैठे हुए हैं हमारे चाचा आरके जी, इनका नाम है राधा कृष्ण। अच्छा अच्छा, तो इसीलिए आरके जी कहते हैं। जी जी, बहुत बढ़िया। ये देखिए सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, टीम मेंबर्स हैं, पतंगे दिखा रहे हैं आपको, देखिए पतंगे देखिए। तो भैया सुनील जी, कब से पतंगे बन रही हैं आपके यहाँ पर? आज करीबन कुछ नहीं तो 15 साल हो गए होंगे बनाते हुए। 15 साल से ऊपर, बहुत बढ़िया। तो पतंगों के साइज क्या क्या रखते हुए हैं? ये देखो आपके सामने जो है पतंग पौनी की है। पौनी है ये? अच्छा, गोल फर्मे की। गोल फर्मे की पतंग है, बढ़िया। और एक ये है, ये लंबे फर्मे की पौनी की। ये देखिए पतंग लंबे फर्मे की, आप लोग देख पा रहे होंगे आरके जी की, बहुत शानदार। मोहर दिखा देंगे अभी आपको। और कोई साइज इसके अलावा रखते हैं? इसके अलावा ये है अद्धी की पतंग। ये देखिए अद्धी, देखिए इनकी बहुत शानदार अद्धी, देखिए बहुत बढ़िया अद्धी है। और एक पतंग की साइज की और बनाते हैं इसके अलावा? बनती तो है लेकिन वो भी है। बन दिखा दिया। ये देखिए तैयार हो रही है 27.5 सत्तों चौड़ाने के लिए। साइज क्या है इसका? 27, बहुत बढ़िया है पतंग, मंजोली पतंग है ये। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे सामने जो हमारे भाई लोग हैं, ये देखिए बैठे हुए हैं इधर, पतंगे दिखा रहे हैं। ये हमारे भाई आज यहाँ से पतंगे लेने के लिए आए हैं, और चचा भी अपने सामने बैठे हुए हैं। और ये देखिए पतंगे बहुत शानदार हैं, पतंगे बना रहे हैं 15 ईयर्स से। और अब ये जानते हैं थोड़ा सा कि क्लब काइट फाइटिंग में कुछ एक जो रूल्स वगैरह होते हैं तो बताएंगे, क्योंकि चचा हमारे उस्ताद हैं। जब भी कोई होता है टूर्नामेंट वगैरह तो उनसे ही राय लेते हैं, यहाँ करके थोड़ा बहुत हुनर जो है लेते हैं। जितना से हम लोग पूछते हुए कैसे क्या पतंगबाजी का हुनर फील्ड से और छत से क्या अंतर है। तो ये देखिए इनकी पतंग मंझोली, और ये रही इनकी स्टैम्प आरके काइट मेकर। बहुत ही उम्दा कारीगर हैं फरुखाबाद के। और फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आरके जी से कि छत की और फील्ड की पतंगबाजी में क्या अंतर होता है। अंतर बहुत होता है। हाँ, जैसे जैसे कि छत की पतंगबाजी में कोई आदमी दिखाई नहीं पड़ता है जी, और मैदान की पतंगबाजी में आमने सामने खिलाड़ी दिखाई देता है जी, समझे। और हर बात तय करके लड़ाई आती है पतंग जी, कि भाई आप तैयार हो या नहीं हो जी, समझे। और पतंगबाजी जो छत की होती है जी, उसमें कोई भी बात नहीं पता लगती, कौन उड़ा रहा है कौन नहीं उड़ा रहा है, मतलब पेच हुआ और चालू, बस उसका ये होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें हर बात सामने होती है, टिकट भी चलती है, समझे। अच्छा, जैसे ये बताइए छत के मंजे अलग होते होंगे और फील्ड के मंजे अलग होते हैं? फर्क होता है, लोग इसमें से छत पे तो चाइना भी लड़ा देते हैं जी, समझे, पंडा भी लड़ा देते हैं जी, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ तो एक ही डोर लड़ती है, 1-2-3 की। रॉकेट डोर कैसी रहती है? वो भी मैं छत से लड़ती है, मैदान में शायद नहीं लड़ती है। लोग लड़ाने के लिए लड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं रॉकेट भी, लेकिन वो जायज नहीं है, जायज नहीं है, समझे। तो देख रहे हैं क्यों रॉकेट डोर क्यों नहीं लड़ती है मैदान में, कुछ बता देंगे इसके बारे में? थोड़ा मजबूत होती है वो रॉकेट, उसमें एक रेशम का धागा होता है, हमने सुना धागा होता है। तो रॉकेट डोर में धागा होता है रेशम का, और मजबूती ज़्यादा होती है, और मैदान के लिए 1-2-3 मेन रहती है, वही मेन है छतों से। तो फिर अच्छा, आजकल जो पतंग रील उड़ रही है प्लास्टिक की, चाइना उड़ रही है, चाचा क्या बताएंगे इसके बारे में? वो तो भाई बाहर की चीज़ है, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, लेकिन वो चल रही है तो वो चल रही है, पैसे सही नहीं है मेरे हिसाब से, वो बिल्कुल गलत है। गलत है बिल्कुल।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, चाइनीज़ मंजा जो है बिल्कुल गलत है, इसने पतंगबाजी के शौक़ को बर्बाद कर दिया है फ्रेंड्स बिल्कुल। तो फ्रेंड्स रिस्की होता है बहुत ज़्यादा। अभी हाल ही में हमारे एक फ्रेंड के पापा जी के भी उससे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई प्लास्टिक के मंजे से ही, और ये मंजा कहीं से भी इस लायक नहीं है कि इसको यूज़ किया जाए। आइए फ्रेंड्स अब हम लोग इनकी जो काइट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फर्मों के डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं वो जान लेते हैं इनके बड़े बेटे सुनील जी से। चलिए फ्रेंड्स पता करते हैं इनके रेट्स। पतंग कितने की पड़ेगी आपकी? ये 25 रुपए की पतंग है, जो गोल घाट की पतंग है, दूर लड़ती है पतंग, दूर के लिए। हाँ दूर के लिए है पतंग। रेंज लगभग कितनी लग जाएगी? रेंज लगभग 1000 गज पे लड़ जाएगी आराम से। आराम से बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये आप जो देख रहे हो ये वाली पतंग जी, जे जो है जे लंबे घाट की पतंग है। अच्छा लंबे कट की? हाँ, जे 20 रुपए की पतंग है। 20 रुपए की पतंग? हाँ ये 20 रुपए की है। जे जो है छोटे पेंच की होती है, 500-600 गज मीटर पर लड़ती मतलब है खींचतान के लिए। हाँ हाँ लंबे घाट की है, बाघ दौड़ की अच्छी पतंग होती है, ठीक है। और ये जो है जे अद्दी की पतंग है जी, ठीक है। जे अद्दी पतंग 15 रुपए की है। अच्छा, जे अपने छतों पे ज्यादातर लड़ाई जाती है, छत से उड़ती है। हाँ छतों से, और लड़ाने के लिए ऐसे छोटे बच्चे हैं मैदान में लड़ा भी लेते हैं। हाँ, नहीं देखा है मैंने। हाँ, कलकत्ता में तो हाँ ज्यादातर इसी का अद्दी का अद्दी का शौक होता है, बाहर कलकत्ते में ज्यादातर इसी का होता है। बहुत बढ़िया। और ये रही 27 जिसको मंझोली बोलते हैं जी जी जी, जे 10 रुपए की है। 10 रुपए की पतंग बहुत सही लग रही पतंग वैसे तो ये, और अद्दे से कुछ छोटी है। हाँ, हाँ थोड़ी छोटी अद्दे, फुल साइज लग रही पतंग। हाँ फुल साइज, साइज पूरा है। हाँ, पूरा साइज बहुत बढ़िया। और एक पतंग आपकी और बनती है छोटी बच्चों के लिए, ढाई वाली। हाँ ढाई वाली, वो क्या रेट लगती है? रेट की वो ढाई वाली जो है वो 8 रुपए की पतंग, 8 रुपए पड़ती है। पतंग भी अच्छी होती है, वो छतों से बच्चों के मतलब की होती है, बच्चे जो है वो यही कहते हैं आरके वाली चाहिए, आरके वाली चाहिए, आरके वाली। तो आप लोग देख रहे हो कि फरखाबाद में आरके पतंग साज का जो नाम है वो कितनी चलता है, बच्चे बच्चे की जुबान पे नाम है जता का। तो आप लोग कुछ कहेंगे जी? भाई टीम कौन सी है आपकी? साहब मेरी टीम का नाम है पांचाल काइट क्लब जी, फरखाबाद की है। फरखाबाद की है क्योंकि ये नाम हम लोगों ने रखा है। हमारे फरखाबाद का नाम जो है, वैसे पूर्व नाम अगर देखा जाए तो पांचाल नगर के नाम से मशहूर हुआ करता था कभी जी, जी, तो उसी के नाम से हम लोगों ने अपनी टीम का नाम रखा है पांचाल काइट क्लब। बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स इनकी टीम का नाम है पांचाल काइट क्लब, जो कि फरुखाबाद के ओल्ड नेम पांचाल नगर के नाम पर ही पड़ा है। कभी फरुखाबाद का साम्राज्य जो है किंग द्रुपद के अंडर में हुआ करता था, जो कि पांचाली के पिताजी थे, और पांचाली जो हैं पांडवों की धर्म पत्नी हुआ करती थी उन्हीं। भाई प्लीज नाम बताइए एक बार के लिए। भैया आपका नाम बता दीजिए एक बार के लिए। हेलो, हाँ जी भाई, मेरा नाम सुमेध है और मैं आरके काइट के मतलब उनके लड़के हैं। ये सुनील हमारे छोटे भाई हैं और हम इन्हीं के साथ शौक करते हैं थोड़ा बहुत पतंगबाजी का जी। और सारा जो बिजनेस है हमारा पतंग वतंग का जो सुनील और मेरे पापा जी देखते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए ये सुनील भाई हैं और ये आरके जी, और सुनील भाई के बड़े भाई हैं, आरके जी के बड़े बेटे। और आपकी भी टीम बढ़ती है? हाँ हमारी टीम फिलहाल अभी तो नहीं लड़ रही है। नाम क्या टीम का आपने? ग्रेट काइट क्लब। ग्रेट काइट क्लब बहुत बढ़िया। भैया आप पकड़ना भाई। भाई आपका नाम? जी अरुण प्रकाश मिश्रा जी, फरखाबाद में ही निवास है अपना जी। और मैं एक पांचाल काइट क्लब से ही का ही मेंबर हूँ जी। और इस समय हम लोग धूम मचाए हुए हैं फरखाबाद में, ऐसी बात नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ पूरी जीदारी के साथ, जोश के साथ और होश के साथ, क्योंकि मैदान में जाने के बाद में जो व्यक्ति होश खो बैठता है वो बहुत गलत है। ये देखिए कितनी बढ़िया ये बात। हम दूसरे से जब भी अच्छी बात करेंगे मैदान में जाने के बाद में, सबसे बड़ी बात होती है हम अपने आपे में रहें। जी, 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 जी। जब हम दूसरे से अच्छा व्यवहार करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं वो भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा, चाहे मेरे चाचा हों, चाहे मेरे भाई हों, या मेरे बाबा हों, या मुझसे छोटा हो या बड़ा, मुझे इससे मतलब नहीं होता है। हमें अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि जब हम उससे अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमसे अच्छा व्यवहार करेगा। और मैदान जाने जाते हैं तो एक शौक के लिए जी। तो बस यही कहना है
कि प्रेम से लड़ाएं, बढ़िया से लड़ाएं, अपना हुनर दिखाएं। और मैं राधा कृष्ण चाचा का बहुत बड़ा फैन हूं जी। और मैं जिस टीम से बिलोंग कर रहा हूं वो मेरी टीम का नाम पांचाल काइट क्लब है। राजू तिवारी वाटा वाले मोरंग का काम है उनका जी। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मेरे उस्तादों में उस्ताद वो ही है। जी भाई बिल्कुल। अच्छा कौन से तंगे लोग हैं? मैं आज पौनी लेने वाला हूँ। हाँ हाँ। गोल फर्मे की और लंबे कण वाली दोनों लोग? दोनों ही लूंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्योंकि आज मेरा मैदान भी है तो आज चाचा की पतंग लड़ाऊंगा ले जाके। गेम चेंजर काइट क्लब। तो फ्रेंड्स ये वही गेम चेंजर काइट क्लब है जिसको कि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। ये आपका अपना चैनल है फ्रेंड्स और काइट फाइटिंग में फर्रुखाबाद में अपना एक क्लब भी है हमारा। और हम लोग आजकल मैदान में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं फ्रेंड्स। और फर्रुखाबाद की सभी टीमें बहुत जानदार हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो भाई आप लोगों ने देखा आज हम लोग आए हुए थे आरके जी के पास में पतंगे लेने के लिए और कुछ एक बहुत ही खास बातें भी यहाँ पर हुई हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी लगा होगा अच्छा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पतंगे उड़ाते रहिए और लाइक कर दीजिए। देखिए डिमांड कर रहे हैं भाई लाइक के लिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ऐसे ही वीडियोज़ को देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।